अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों असली न्यूज नाम के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त रुपेन आर शाह। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा जो महाराष्ट्र के प्रशासन का एक प्लान था उसका पर्दाफाश हुआ है। रिपब्लिक ने ही स्टिंग ऑपरेशन करवाया था और उसमें नवाब मलिक एनसीपी के एक कदावर नेता उस स्टिंग ऑपरेशन में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अब अर्नब नहीं बच सकता, वो फंसेगा ही फंसेगा। कहीं अर्नब सुसाइड तो नहीं कर लेगा? सोचिएगा, गर्भित जो भी पूरी स्पीच है उसमें रिपब्लिक टीवी को बंद होना होगा, अर्नब गोस्वामी डिप्रेशन में चले जाएंगे, अर्नब गोस्वामी कहीं सुसाइड न कर ले। एक गर्भित तरीके से धमकी है कि जितने भी स्पॉन्सर्स और जितने भी एडवर्टाइजमेंट रिपब्लिक को मिल रहे हैं वो उनको नहीं मिलेंगे। पूरी तरह से रिपब्लिक के पीछे नवाब मलिक का स्टिंग ऑपरेशन ये दिखा रहा है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पड़ चुकी है। जिन लोगों को भी पता ना हो तो नवाब मलिक एनसीपी के एक कदावर नेता है, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। नवाब मलिक वो मादा रखते हैं कि उद्धव ठाकरे अगर कोई डिसीजन ले ले और उन्हें पलटना हो तो नवाब मलिक के लिए ये कोई खास मुश्किल काम नहीं होगा। और इतना कदावर नेता अगर स्टिंग ऑपरेशन में ये बातें बेखौफी के साथ कह रहा है तो आप सोच सकते हैं कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर और रिपब्लिक के चैनल के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बात समझने की है, सोचने की है, क्या कर सकते हैं। जो प्रिडिक्शन हमने दी थी, आप में से कई दर्शकों ने पूछा था मेरे एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर कि अर्नब गोस्वामी के लिए 22 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का समय बहुत ही कठिन रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज 21 अक्टूबर है, ये खुलासा हो रहा है। आज भी मैं अपने स्टैंड के ऊपर कायम हूँ कि 22 अक्टूबर से 2 नवंबर तक अर्नब गोस्वामी के लिए समय बहुत ही कठिन रहेगा। एक बहुत ही बड़ा खुलासा था। सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट आया है, आरके सिंह का ट्वीट आया है और भी कई सारे लोगों के ट्वीट आए हैं कि ये अर्नब को परेशान करने की साजिश है। लेकिन कम से कम एक काम तो हम कर सकते हैं, राजनीति के परे कह रहा हूँ। जो एक प्रिडिक्शन कुछ दिन लगभग 10-15 दिन पहले की गई थी न्यूज़ मीडिया के ऊपर, आप देखिए आप उसे सत्य होते हुए पाएंगे, तभी जाके तो शायद इस यूट्यूब चैनल का जन्म हुआ है। जब हमें लगा था कि आगे चल के ये चीज़ें होने वाली है, जब आगे चल के न्यूज़ मीडिया अपनी विश्वसनीयता के ऊपर क्वेश्चन मार्क खुद ही लगाने वाली है, तो सच्चाई वाला न्यूज़ और किसी भी न्यूज़ के पीछे की सच्चाई कैसे वीडियो के द्वारा जनता तक पहुंचाई जाए। एक काम 130 करोड़ लोग मिलके कर सकते हैं, डेफिनेटली ये कोई राजनीतिक सुझाव नहीं है। अर्नब गोस्वामी जो कोई भी कर रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि बंदा सच्चा है और जो कर रहा है उसके लिए बहुत ही बड़े आंतरिक हिम्मत की ज़रूरत होती है। 22 अक्टूबर से 2 नवंबर जो टाइम स्पैन हमें लग रहा है, कल से मतलब 22 अक्टूबर से 2 नवंबर तक अगर हम न्यूज़ चैनल्स देखते हैं टीवी के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक ही देखे। उससे होगा ये कि चलो मान लेते हैं कि सारे एडवर्टाइजर्स को किसी न किसी तरीके से ये सूचित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है कि रिपब्लिक को टीवी एड्स ना दिए जाए। लेकिन अगर जिन चैनल्स के ऊपर एड दिए जाते हैं उन चैनल्स को कोई देखेगा ही नहीं तो एडवर्टाइज़र सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि जहाँ पे दर्शक सबसे ज़्यादा व्यूज़ दे रहे हैं वहाँ पे पैसे क्यों ना खर्च किए जाए। एक छोटा सा काम अगर आपको लगता है कि अर्नब गोस्वामी सही कर रहा है तो कम से कम 2 नवंबर तक तो ये कीजिए। ये थी एक असली न्यूज़ जो आप तक पहुँचानी थी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो अगर आपके दिल को छू जाता है कम से कम 5 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।